हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंक के न्यू रिटर्न अपडेट के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आई है सीएम पंक पर, जो दी है WWE हॉल ऑफ फेमर जिम रॉस ने। सबसे पहले तो जिम रॉस को हैप्पी 66 बर्थडे। जिम रॉस ने सैम रॉबर्ट्स के पॉडकास्ट पर रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, और दोस्तों इस पूरे इंटरव्यू की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दी है और पिन भी किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सीएम पंक का रिटर्न आज के WWE में सबसे बड़ा होगा। तो अगर WWE ने ये बड़ा रिटर्न प्रॉपरली बुक नहीं किया तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फेल हो जाएगी। जब सीएम पंक चले गए थे WWE में 2014 में, ये डिसीजन एकदम सरप्राइजिंग था और किसी भी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला WWE रोस्टर पर, और वो इंजरी से जूझ रहे थे। WWE लाइफस्टाइल एकदम टफ होती है, और ऐसा लगा कि सीएम पंक ने बहुत सह लिया था। बहुत सारे स्पेक्यूलेशन थे उनके रिटर्न पर सीएम पंक का रिटर्न करना स्टिल बाकी है। वो अभी UFC के कॉन्ट्रैक्ट में है और अब तक वेट कर रहे हैं उनके सेकेंड फाइट के लिए। WWE कॉमेंटेटर एंड हॉल ऑफ फेमर जिम रॉस ने सैम रॉबर्ट्स के पॉडकास्ट पर कहा कि वो किस तरह सीएम पंक का रिटर्न बुक करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक रास्ता निकाल सकता हूँ सीएम पंक पर, अगर उनमें एक और WWE रन बाकी है। एक और रन मतलब एक रेसलमेनिया, ना ही 10, 2 या 3, बल्कि एक रेसलमेनिया। आप किसी बड़े स्टार के साथ उनकी फ्यूड, उनका बिल्डअप शुरू करो और उनकी मैच डायरेक्टली रेसलमेनिया में रखो। और एक ही तरीके से मैं बुक करूंगा सीएम पंक को कि वो डायरेक्टली रेसलमेनिया में ही आए, तब तक वो WWE टेलीविजन पर नहीं होंगे। ट्रेनिंग्स, विग्नेट्स, थोड़े एंगल एंड बूम, देयर इट इज, उनकी फर्स्ट मैच एट रेसलमेनिया। हाँ, तो उस तरीके से किसी पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। सीएम पंक का रिटर्न WWE में बहुत सारा बिजनेस लाएगा, और वो वेलकम है इस पॉइंट पर टाइम ही बताएगा कि कब WWE और सीएम पंक के बीच रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये था कहना WWE कॉमेंटेटर एंड हॉल ऑफ फेमर जिम रॉस का। इनसे बेहतर कौन जा सकता है इन्स एंड आउट्स ऑफ WWE। सीएम पंक का WWE से जाने का मेन रीजन था कि उन्हें मेन इवेंट में चांस नहीं मिला रेसलमेनिया में। तो अगर वो रेसलमेनिया 34 में मेन इवेंट करेंगे तो जरूर एक चैंपियनशिप के लिए करेंगे। अब र्यूमर्स तो है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे रेसलमेनिया 34 में, तो हो सकता है कि सीएम पंक WWE चैंपियनशिप जीत ले। तो क्या आपको पसंद आएगा अगर सीएम पंक अपना बड़ा रिटर्न करके WWE चैंपियन बन गए तो? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप सीएम पंक को रेसलमेनिया 34 में देखना चाहोगे, और आप कौन से ओपोनेंट को उनके लिए पिक करोगे। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।